रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में साहिबगंज के 4 छात्र यूक्रेन के कीव में फंसे हुए हैं। अशफाक अहमद, मोहम्मद मसरूर अहमद, फैजान अहमद, शिवकांत ओझा, ये सभी छात्र वहां फंसे हैं। वहीं ये सब छात्र अपने वतन आना चाह रहे हैं। छात्र के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। शिवकांत ओझा की मां ने भगवान के पास पूजा कर अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगी है। वहीं छात्र के परिजन सरकार से और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। वहीं छात्र के पिता मही पलेश्वर ओझा ने भी भारत और राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि हमारे बच्चे को सकुशल घर लाया जाए। इधर साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव ने बताया है कि साहिबगंज के 4 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिसे सकुशल उसे लाने का प्रयास किया जा रहा है। धैर्य से थे, लेकिन अब जो है कि नहीं, धैर्य टूटा जा रहा है और हम लोग बाप बेटा दोनों बेचैन हो गए हैं अपने बच्चे के लिए। मोदी सरकार से और ये झारखंड सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि हमारे बच्चे को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं और जल्द से जल्दी वापस बुलाने की कोशिश करें किसी प्रकार से। हम लोग बहुत पीड़ित हो गए। तो इतने वहाँ पर तो 5 साल से है, वहाँ पर 5 साल से है, लेकिन बच्चा भी धैर्य से था, डॉक्टरी पढ़ने के लिए गया है, लगता है हम लोग अपना बच्चा खो देंगे। मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय से बार बार पूछा जा रहा है कि आपके जिले से कितने बच्चे या स्टूडेंट्स या कोई व्यक्ति यूक्रेन में फंसा हुआ है। हम लोगों ने ये सूचना पूरे जिले में प्रकाशित की थी। कल 2 बच्चों का हमको रिकॉर्ड मिला था, आज सुबह 2 और बच्चों का मिला है। टोटल 4 बच्चे हमारे जो है यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिसमें से एक बच्चे का हमको भी कॉल भी आया है व्हाट्सएप पे, एंड दैट बॉय इज सेइंग कि भाई हम पोलैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और यूक्रेन बॉर्डर जब क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे हमारी मदद हो जाए। दे आर कॉलिंग एक्सटर्नल अफेयर्स आल्सो। तो हम लोगों ने यहाँ से कंफर्म करके भेज दिया है कि 4 बच्चे हैं हमारे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।